हाय गाइस, मेरा नाम है सिवंत और मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन को। और ये लोकेशन है हमारे असम मेघालय बॉर्डर में। हमारे नॉर्थ ईस्ट में ऐसा बहुत सारे लोकेशन है जिनके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता, तो मैं आज आप लोगों को ऐसे ही एक ब्यूटीफुल लोकेशन को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज का जर्नी शुरू करते हैं, और जर्नी शुरू होता है घर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, अभी टाइम हो रहा है 6, मैं सुबह सुबह निकल रहा हूँ घर से क्योंकि 1 बजे से कर्फ्यू स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए मैं इतने सुबह सुबह निकल रहा हूँ। इधर बाइक निकल लिया हूँ मैं, और बाइक का हालत भाई साहब क्या ही बुरा हाल है, बुका बुका शरीर वाले बुका बाइक कीजिए हो कौन सा पाओ करूँ। बस वीडियो को देखते रहिए, अभी घर से निकलते हैं। चलिए, जिंदगी में क्या होगा पता नहीं, लेकिन अगर सुबह उठ के ये नहीं मिला तो भाई पूरा दिन खराब जाता है। रिफ्रेशमेंट, अरे चाय इम्पोर्टेंट है बाबू। तो अभी चाय वाई पी के पूरा एकदम रिफ्रेश हो गया माइंड। तो अभी आप लोग को अच्छी तरीके से बताता हूँ कि जा किधर रहे हम लोग। बराली काटोंग्रे जो है बोलबोला के अंडर, वो हाटीगांव के पास, वो गुवाहाटी वाला हाटीगांव नहीं, हमारे यहाँ पर भी हाटीगांव है उधर। तो बस मेरे साथ जा रहे है ऐसे ही ब्लॉग्स, और ये सैलरी एंड इसका एक ही हमेशा एक ही रहता है प्लीज, और कुछ नहीं। तो हमने हमारा जाने स्टार्ट कर दिया। तो ये लोकेशन जो है ये हमारे ग्वालपाड़ा से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मुझे भी आज कुछ दिन पहले ही इस लोकेशन के बारे में पता चला। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बोलबोला, और ये बोलबोला से हमको लेना है राइट। अगर आप लोग ग्वालपाड़ा से आ रहे हैं तो राइट लेना, और अगर गुवाहाटी साइड से आ रहे हैं तो लेना है लेफ्ट। तो इसी रोड से हमको अंदर जाना है, और इस लोकेशन पे जाने के लिए जो बीच में रोड मिलता है ना भाई साहब, हाँ ऑफ रोडिंग मिलेगा, बहुत सारे जगह पे ऑफ रोडिंग है, रोड बहुत टूटा फूटा है। और बीच बीच में तो इस जगह को देखिए, यहाँ पर तो मेरा बाइक पूरा अटक गया था भाई साहब, पूरा ही अटक गया था। लेकिन इस सब को छोड़ के जो हमको व्यू मिलता है जाते समय, एक बार देख लीजिए। तो हम लोग आए इधर से, अभी जाना है इधर राइट में, यहाँ पर एक चार अली है, और मेरा बाइक का हालत देखिए पूरा गया, टोटली बर्बाद हो गया मेरा बाइक भाई साहब, पूरा बर्बाद हो गया। आज बहुत बड़ा एडवेंचर हो गया हम लोगों को, खतरा हम लोगों का खतरा है अभी भाई, बहुत ही ज्यादा फिसलन फिसलाई है इधर। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये देखिए ये खुशी, अभी खुशी हो रहा है थोड़ा, अभी थोड़ा खुशी आ रहा है मन में कि चलो इतना मेहनत के बाद कुछ तो सफल हुए हम लोग, जैसे तैसे कैसे एक बहुत ही खूबसूरत रोड मिला है इधर। अभी एक बात मुझे मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। आए इधर से और जाना है इधर ऊपर, इधर लिखा हुआ है वे तो बराली पारा, सो इधर ही है हमारा डेस्टिनेशन। तो अभी हम यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर बाइक और स्कूटी सभी इधर है, और हमको जाना है इधर, मतलब अभी जो अभी आगे का जर्नी है वो अभी पैडल चलना पड़ेगा। तो चलते हैं फिलहाल, अगर शूज में ग्रिप नहीं है ना भाई साहब तो यहाँ पर पिसल के गिरने का 100% चांस है। ये देखिए हालत बहुत ख़राब है सभी का, मेरा ही फट गया अभी, और रोड देखिए ना एक बार, ओ भाई बहुत स्लिप हो रहा है यार, बहुत ही स्लीपरी रोड है। ओ हाँ देखो, ऊपर तो आगे जैसे जैसे कैसे और बहुत ऊपर जाना है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये जो दिल है ना ये ऐसे बाहर के बाहर आ जाएगा, इतना फट रही है ये, हार्ट बीट मतलब 300-400 पर सेकंड पे मार रहा है अभी फिलहाल, इतना हार्ट बीट फास्ट हो गया, बहुत ही रुक जा मेरे भाई। देखो
हाल बहुत खराब। ये देखिए इसे पूरा ऊपर जाना पड़ेगा इधर से। बहुत ही रास्ता वास्ता कंफ्यूज, घूम घूम के आगे है इधर, लगता है यही है। ओ सामने सामने तो देखिए, हाँ यही है शायद, हाँ यही है यही है। ओ ओए झुलना खान कोट, ओए रे झुलना ब्रो, ए मामा मामा। फिलहाल हम हो गया इधर स्लीप, ये देखिए वो फिर से हो रहा है स्लीप। हम हो गया फिर इधर स्लीप और हम गिर गया नीचे। हाथ का हाल कुछ ऐसा है, कपड़ा भी कुछ ऐसा है और हम बुरबक आज व्हाइट शर्ट पहन के आ गया। पता ही नहीं था यार ऐसा होगा, इतना बुरा हाल होगा रोड का। चलो जो भी हो, लाइफ में ये याद रहने वाला है हमेशा के लिए, क्योंकि कि ऐसे जगह पे गया था और ऐसा ऐसा हुआ था। यार जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना, अच्छा हो बुरा हो, वो मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है? मेमोरीज। वो जो हर ना हर चीज से हमको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। अगर अच्छा हो जाए तो कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलता है, अगर कुछ बुरा हो जाए तो वो बुरा क्यों हुआ उससे भी कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलता है। तो लाइफ में जो भी हो, कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिलता है। आज यहाँ आके हमको ये तो पता चल गया कि अगर यहाँ आना है तो बारिश के मौसम में मत आइए, क्योंकि बारिश के मौसम में यहाँ का रोच बहुत ही बुरा होता है और यहाँ हिल्स के ऊपर तो बहुत ही स्लीपरी होता है। उठने में भी प्रॉब्लम, नीचे उतरने में भी प्रॉब्लम, मतलब हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो लाइफ में कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिलता ही मिलता है। हम लोग किधर आ गए भाई साहब? खुशी कितना है भाई? से तो सब लोग बोलते हैं कि यार 30 या 40 मिनट्स लगता है सिर्फ ग्वालपरा से यहाँ तक, लेकिन हम पहले बार आए हैं, रास्ता घूम गया, बीच में ऑफ रोडिंग एडवेंचर, थकान सब कुछ मिल माल के हम जैसे तैसे कैसे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक गंदगी सराय और 4-5 लीटर पसीना बहाने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए इधर। ये देखिए, ओ भाई साहब, इतना सुकून लग रहा था इधर बैठ के, क्या ही बताऊं यार। मतलब मेहनत का फल मीठा होता है सच में यार। दिल तो कर रहा है कि यार पर एक घर बना के यार पर रह लूं यार, घर जाने वापस जाने का कोई भी दिल नहीं कर रहा। तो और एक लोकेशन है, हम तो इधर आ गए लेकिन इधर एक वो झूलना भी होता है, तो शायद वो उस लोकेशन पे है। ये जो पहाड़ दिख रहा है ना इस पे, इस साइड पे, इस साइड पे, तो शायद इधर है। तो अभी हमको, हम इधर से आए थे तो इधर से हमको ऐसे 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 करके इधर जाना होगा। भाई साहब उधर से इधर आके और सुकून मिल गया। सामने देखिए मेरे, ये देखिए इधर बैठने के लिए चेयर भी है, बेम्बो से बना के रखा है, और इधर झूलने के लिए झूलना भी है, सब कुछ है यार। ओ हो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। तो असल में जो डेस्टिनेशन है वो है ये। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सो जाओ यार, कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत व्यू है। वाह, खुशी दिल से निकल रहा है एकदम, बहुत ही, वर्ड नहीं है मेरे मुंह पे कोई भी, इतना खूबसूरत है यार, मेस्मराइजिंग व्यू यार सच में। देखिए गाइस यार, कहाँ आ गए, जन्नत पहुंच गए हम लोग। ये बिल्कुल जन्नत की तरह लग रहा है। ये क्लाउड्स देखिए, नीचे पूरा, नीचे क्लाउड्स, पूरा क्लाउड्स, पूरा क्लाउड्स, फिर से पूरा क्लाउड्स आ गया इधर।
क्लाउड जो है पूरा नीचे आ गया, ये पूरा क्लाउड नीचे आ गया और हमारा ये माउंटेन पूरा ऊपर है, ये हिल्स पूरा ऊपर है और पूरा क्लाउड इधर पूरा नीचे आ गया, मतलब हम अभी फिलहाल क्लाउड्स के ऊपर है। ओ भाई साहब, और बारिश अभी बहुत जोर से आ गया, फिलहाल बहुत जोर से बारिश आ गया। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये खुशी। तो बस यही कुछ था, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप लोग विजिट करिए। तो डायरेक्शन थोड़ा बहुत बोल लिया है, अगर अच्छा लगा है तो विजिट करिए। अभी बहुत जोर से बारिश हो रहा है, मैं बारिश में भीग के प्लीज ब्लॉक कर रहा हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिए कैसा लगा यह ब्लॉग, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि मेरे जो अगले आने वाले फिर उनका आप लोग मिल जाए। सो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर, ठीक बोलते हैं।